रामपुर में उफनाई कोसी नदी, 6 लोग बहे, 5 को बचाया कई गांव, सैलाब के पानी से डूबे शहर तक में घुसा पानी, सैकड़ों मकानों में आधी रात में फंसे लोग, मदद की लगाई प्रशासन से गुहार, पीएससी के जवानों ने नाव के जरिए लोगों को घर से निकाला। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित भारतवर्ष में 2 दिन की आसमानी आफत के बाद उफनती नदियां कहडाने लगी हैं। रामपुर में उफनाई कोसी नदी पर लालपुर में बना अस्थायी पुल बह गया, वहीं दड़ियाल में 6 लोग कोसी नदी के पानी में बह गए, जिसमें से 5 को बचा लिया, 1 की तलाश जारी है। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे 32 गांव को हाई अलर्ट पर रखा है। आया ना अभी नहीं लगा, किसी ने इंतजाम के लिए तुम्हारा पुलिस वालों से कहा, उन्होंने भी हमारे चले नहीं। पानी कितनी तेजी से पड़ रही है? पानी बहुत तगड़ा पड़ लिया, खड़ा पानी पड़ लिया। अरे तो कोई कहीं तुम्हें सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पे है अभी तक तो ठीक है। अंदर इतना सारा पानी बढ़ गया, ये कम से कम 100-150 परिवार अंदर रहते हैं। अगर थोड़ा पहले अलर्ट कर दिया जाता तो लोग अपना सामान या खुद आ जाते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत में आ गए, कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग बेहतर भी जाते हुए गए। करना स्टार्ट हो रही है, एक और डेयरी से सूचना आ रही है कि वहाँ 6 लोग फंसे हैं और कुछ पशु फंसे हैं। वहाँ हम 2 JCB भेज रहे हैं, जैसे ही कुछ JCB से अगर हेल्प नहीं हो पाती तो हम वहाँ पे बोट अरेंज करवा रहे हैं, पर अभी वो बोट यहाँ पे एंगेज है, तो यहाँ पे जितने लोग रेस्क्यू कर रहे हैं हम फटाफट कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई जनहानि की हमें सूचना नहीं है, जैसे कुछ होगा तो आपका बता। एडजन साहब, क्या सूचना नहीं दी गई थी इनको पहले से ही? सूचना सबको दी गई थी, रेड अलर्ट 3 दिन से जारी है, 3 दिन से बारिश आ गई है, लेकिन अभी पानी जैसे रिलीज हो रहा है तो एकदम से पानी का लेवल बढ़ गया है। यहाँ पे बैराज पे भी काफी पानी भर चुका है, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है यहाँ पे? लगभग यहाँ पे लोकल लोगों से पता चला है कि 150 लोग फंसे हुए हैं, तो हम लोगों ने बोट भेज दी, हम लोग जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू करवा रहे हैं। ठीक ठीक है।